निजीकरण ही शैक्षिक सुधार का उत्तम विकल्प है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमारा भारतवर्ष एक कल्याणकारी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ऐसी कोई भी व्यवस्था जो लोक कल्याणकारी न हो उसे कैसे स्वीकार किया जा सकता है। और इस सच्चाई है कि हम एक विकासशील राष्ट्र है न कि विकसित। हमारे देश की 60% से अधिक आबादी आज भी 2 जून की रोटी की व्यवस्था करने में जूझ रही है। देश की वो आबादी निजी क्षेत्र में आज चल रहे विद्यालयों की सालाना औसतन 40 से 50 हजार शुल्क की क्या व्यवस्था कर पाएगी। तो मेरा सवाल है कि शिक्षा का निजीकरण राष्ट्र की सर्वाधिक आबादी को शिक्षित करने के लिए है या बहुसंख्यक आबादी को शिक्षा से वंचित करने के लिए। निश्चित ही जब निजी क्षेत्र ही एकमात्र विकल्प होगा और उसमें लिया जाने वाला शुल्क आम जनता की पहुंच से बाहर होगा तो वह 65% आबादी शिक्षा से वंचित तो होगी ही। मुझे लगता है कि शिक्षा में निजीकरण देश की केवल 30% आबादी को ध्यान में रखकर की जाने वाली व्यवस्था है। वैसे देश के उच्च आय वर्ग वाले 30% तो आज भी अपने बच्चों को निजी क्षेत्र से ही शिक्षा ग्रहण करवा रहे हैं, किंतु वर्तमान में देश भर में फैली हुई सरकारी अर्ध सरकारी विद्यालयों में कम से कम देश की लगभग शेष 50% आबादी शिक्षित तो हो रही है। विकल्पहीनता की स्थिति में जब सारी शैक्षिक व्यवस्था निजी हाथों में ही होगी तब देश की उस बहुसंख्यक आबादी का क्या होगा। अब यह विचारणीय है कि शिक्षा के निजीकरण की सोच आई कहां से। तो इसके समर्थक सरकारी विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। तो मैं अपने विपक्षी भाइयों से कहना चाहूंगा कि वे जरा नजर उठाकर और पूर्वाग्रह से मुक्त होकर देखें तो पता चलेगा कि भारत के सर्वोच्च मंदिर हमारी संसद में आपका नेतृत्व करने वाले अधिकांश नेता और मंत्री इसी सरकारी विद्यालयों की देन है। देश की सर्वोच्च सेवा आईएएस के लिए चयनित होने वाले अपने अपने प्रदेशों में अधिकांश एसडीएम, डिप्टी एएसपी, तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल आदि प्रशासनिक क्षेत्र के व्यक्ति, पीडब्ल्यूडी, ब्रिज कारपोरेशन, विद्युत विभाग, नगर निगम आदि में बैठे इंजीनियर इन्हीं सरकारी विद्यालयों की देन है। और ये तब है जब यहाँ पढ़ने वाले छात्र कोई खेतों में अपने पिता के साथ, कोई अपने पिता की अनुपस्थिति में उसके द्वारा छोड़े गए ठेले या खोमचे पर पसीना बहा के, फटे पुराने बस्तों के साथ एक ही ड्रेस जो घर विद्यालय दोनों जगह साल भर चलानी है उसे पहनकर 10-12 किलोमीटर की दूरी से जाड़ा, गर्मी या बरसात में भी अपनी अपनी साइकिलों से विद्या के मंदिर पर दस्तक देता है। जरा हमें भी टाइल्स वाली फर्श, सुंदर बेंच, कुर्सियां, पंखे और रोशनी युक्त प्लास्टर की हुई पेंटिंग से दीवालों वाली कक्षाएं, सुंदर स्वच्छ और सुगंधित शौचालय आदि उपलब्ध कराइए, फिर देखिए हमारा और हमारे विद्यालयों का जलवा। हाँ, बस एक गुजारिश है, हमारे ये गुरुजन हमारे ही पास रहने दीजिए। एक और बिंदु है जो हमारे विपक्षी निजीकरण के पक्ष में देते हैं, वो है सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की कर्तव्य निष्ठा पर सवाल उठाना। तो भाइयों, मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि गांवों और कस्बों में स्थित विद्यालयों में हमारे गुरुजन जब 40-40 किलोमीटर का सफर तय करके आएंगे, जाएंगे, अपने बहुमूल्य समय का 3 से 4 घंटे यात्रा में व्यय करेंगे तो उससे उत्पन्न थकान और उसके बाद उमस भरी गर्मी में पसीना पोंछते, जाड़े में खुले वातावरण की ठंड झेलते तथा वर्षा में छतों से टपकते पानी की बूंदों के बीच क्या हम उनके प्राण लेंगे। विपक्षी कह सकते हैं उन्हें जहां विद्यालय है वहीं निवास करना चाहिए। तो निश्चित रूप से गुरुजन वह भी करते हैं या करेंगे। सरकारें वहां उनके और उनके परिवार के इलाज की अच्छी चिकित्सकीय व्यवस्था, शिक्षा, परिवहन, बिजली, पानी आदि की उचित व्यवस्था दे तो क्या किसी को पागल कुत्ते ने काटा है कि वे अपने प्राण हथेली पर रखकर रोजाना दूर का सफर तय करें, अनावश्यक शारीरिक, मानसिक ऊर्जा और आर्थिक अपव्यय को सहे। फिर भी इन विषम परिस्थितियों में ज्ञान की ज्योति जलाए रखने वाले ऐसे गुरुजनों को मैं शत शत नमन करता हूँ। आखिर हमारी सरकारें सभी नागरिकों के लिए सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा क्यों नहीं दे सकती। हाल के वर्षों में चीजें तेजी से बदतर हो गई हैं। सरकारों ने निजी व्यवसायियों को उच्च लागत वाले संस्थान खोलने की इजाजत देकर अपने स्वयं के स्कूलों और कॉलेजों को कोष से महरूम रखकर कमजोर करने की नीति अपनाई है। सरकार ने शिक्षा पर खर्च करने और अधिक शैक्षिक अवसर प्रदान करने से इनकार कर दिया है, जिससे शिक्षा में निजी क्षेत्र के हिस्से में वृद्धि हुई है। निजी स्कूल और कॉलेज आम लोगों की क्षमता से काफी अधिक शुल्क लेते हैं और माता पिता को अपनी भूमि या सोने को बेचने या अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए ऋण लेना पड़ता है। बड़ी संख्या में परिवारों और उनके बच्चों का विशाल बहुमत कम गुणवत्ता वाले संस्थानों तक ही सीमित है, जिनमें अक्सर कम वेतन वाले, हतोत्साहित, अनुबंधित शिक्षकों, कई बिना किसी शिक्षक के साथ और कई बिना किसी आधारभूत संरचना के होते हैं। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सामान्य तौर पर गिरावट आई है। निजी संस्थान आम लोगों की जेब काटने के बावजूद गुणवत्ता वाली शिक्षा देने के लिए ज्यादा नहीं जाने जाते हैं और बड़ी संख्या में बेरोजगारों की फौज खड़ी कर रहे हैं। वर्षों से सरकार द्वारा पैसे में लगातार की जा रही कमी पहुंच वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के पतन का मुख्य कारण है। 1968 में कोठारी आयोग ने अनुमान लगाया था कि लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% खर्च किया जाना चाहिए।
लेकिन सभी सरकारों ने लगातार होती इस कमी को नजरअंदाज कर दिया, जिससे गुणवत्ता और शिक्षा की पहुंच में लगातार गिरावट आई। वर्तमान सरकार की बजटीय नीति ने शिक्षा के लिए धन में कटौती कर स्थिति को और बिगाड़ दिया है। केंद्र सरकार के कुल बजटीय व्यय प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय 2013-14 में 4.6% से घटकर 18-19 के बजट में 3.5% रह गया। सरकार द्वारा शिक्षा की जानबूझकर अंडर फंडिंग और इसके निजीकरण की इजाजत अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पूंजी की मांगों को पूरा करना है, जो शिक्षा को लाभकारी वस्तु के रूप में देखते हैं। सरकार विश्व बैंक के दबाव में और शिक्षा में मुनाफा पाने वाले बड़े अंतर्राष्ट्रीय निगमों के दबाव में इस तरफ तेजी से बढ़ रही है और परिणाम हमारी आंखों के सामने है। भारत की विशाल शिक्षा प्रणाली का एक बड़ा हिस्सा अब निजी संस्थाओं द्वारा नियंत्रित है। हम चाहेंगे सरकार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 6% खर्च करे। इसका उपयोग स्कूलों और कॉलेजों में उचित आधारभूत संरचना बनाने, शिक्षकों को बेहतर वेतन देने और उन्हें उपयुक्त प्रशिक्षण सुनिश्चित करने, अधिक स्कूलों और कॉलेजों को खोलने, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार करने के लिए किया जाना चाहिए। सरकार को शिक्षा क्षेत्र में लाभ को और निजी व्यवसायियों के प्रसार की अनुमति देना बंद कर देना चाहिए। संविधान के मूल्य और वैज्ञानिक सोच को फिर से स्थापित होना चाहिए। मैं इस मंच से उन नीतियों को बदलने की मांग रखता हूं जो लाभकारी व्यवसाय के रूप में शिक्षा को देखती है, जो कि सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी से लोगों द्वारा निर्वाचित सरकारों को पीछे हटाने का काम करती है। जय हिंद।